नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज जो बात दो अहम विषयों की होगी, आज पूछेगा उत्तराखंड दो बड़े सवाल। एक सवाल यह कि आखिरकार उत्तराखंड में यह कौन सी नई सियासत का जन्म हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। अब तक जो नहीं हुआ उत्तराखंड में चुनाव के दरमियान, इस बार हो रहा है। आखिरकार क्यों हो रहा है चुनाव में हिंदू और मुसलमान? और सवाल ही यह भी होगा, पूछेगा एक और सवाल उत्तराखंड कि आखिरकार जिन दिग्गजों के सहारे तमाम राजनीतिक दल, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिन दिग्गजों के सहारे चुनावी वैतरणी पार लगाने की कोशिश कर रही है, यानी कि जो उनके मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं, अब वो चेहरे क्या खुद और खुद अपने किले की रक्षा के चक्कर में उलझ चुके हैं? अपने किले की रक्षा, आप कहेंगे भला वो कैसे? किला जहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ लड़ते हुए आए। उदाहरण के तौर पर पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के चेहरे हैं। धामी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल खटीमा में है और पैर तमाम विधानसभा सीटों पर प्रचार करते हुए, लेकिन जहन में खटीमा ही है। उदाहरण के तौर पर लालकुआ हरीश रावत जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो खुद चक्रव्यूह में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। चक्रव्यूह में, चक्रव्यूह जिस तरह से रचता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने ही रच रहे हैं, उसमें हरीश रावत खुद लालकुआ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तीसरा उदाहरण कर्नल कोठियाल गंगोत्री से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए इसका डर भी उन्हें सता रहा है। गंगोत्री से बाहर नहीं निकल पा रहे, गंगोत्री में ही प्रचार कर रहे हैं, गंगोत्री में ही डटे हुए हैं। यानी कि तीन बड़े चेहरे जिनके इर्द गिर्द बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो अपने किले की रक्षा को लेकर जुटे हुए हैं। अब एक और उदाहरण, आप कहेंगे कि ये तो मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं, संगठन के स्तर पर आ जाइए। संगठन में देखिए, मदन कौशिक जो कि प्रदेश संगठन के मुखिया है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद धर्मनगरी में अपने पांव अड़ाए हुए हैं, धर्मनगरी में जहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। संगठन के स्तर पर अब कांग्रेस में आइए, गणेश गोदियाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं श्रीनगर से। मुकाबला भी बड़ा है, दिलचस्प मुकाबला है, वो भी धन सिंह रावत से मुकाबला है। ऐसे में सवाल यह कि आखिरकार किस तरह से इस जंग को दिग्गज लड़ पाएंगे, जीतेंगे या फिर जिताएंगे? अपने ही रण में फंस गए ये तमाम दिग्गज। आज इसी पर होगी दिलचस्प चर्चा। और साथ ही साथ मैंने जिसका जिक्र किया था, दूसरा बड़ा मुद्दा जो पूछेगा उत्तराखंड कि आखिरकार ये उत्तराखंड में चल क्या रहा है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ, सियासी बवाल हुआ, बयानों का शोर आया और एक के बाद एक तूफान खड़ा हुआ, एक के बाद एक ट्वीट्स आए। उन ट्वीट्स का भी मैं जिक्र करूंगा जो सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने आपको दिखाया था, और उस ट्वीट पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। हरीश रावत का वो ट्वीट, हरीश रावत को किया गया ट्वीट, दिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपको रूबरू करवा दें। हमारे साथ आज जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखेंगे संजीव वर्मा साहब जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, संगीता शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और साथ ही कांग्रेस की तरफ से लखपत बड़ोला साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। उनसे भी लगा देंगे इसमें। आज पूछेंगे कि कैसे लड़ेगी कांग्रेस, वो भी तब जब खुद ही अपने ही किले में उलझ गए दिग्गज। तो सीधा रुख कर रहे हैं, सबसे पहले वर्मा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे
वर्मा जी, सीएम साहब खुद चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, माना कि संगठन आपका हर वक्त चुनावी मूड में रहता है, 365 दिन, 365 days 24x7, जब चाहे तब चाहे कब चुनाव करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपके सबसे बड़े चेहरे, दिल उनका खटीमा में है और कदम विधानसभा क्षेत्रों में है, बड़ी टेंशन वाली स्थिति होगी सर। संगठन के मुखिया भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी धर्मनगरी से बाहर नहीं निकल पा रहे, कैसे जीतेंगे और अब की पार 60 पार कैसे होगा? तिलक जी देखिए, पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हमारा जो संगठन है पूरे बूथ स्तर से लेकर पूरे प्रदेश स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा पदाधिकारी, उनमें चाहे एक ग्राम प्रधान हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, इवन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी तक, सभी लोग अपने को एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। समय समय पर जो भी जिम्मेदारियां जिस भी कार्यकर्ता को दी जाती है, सभी लोग अपना एक बहुत उस निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुनाव मैदान में है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी चुनाव मैदान में है, हाँ दोनों चुनाव मैदान में है, लेकिन हमारी जो टीम है, हमारी टीम सतत कार्य में लगी हुई है। पन्ना प्रमुख से लेकर हमारे बूथ का जो टीम बनी हुई है और मंडल की टीम है, हमारे महानगरों की, नगरों की टीम है, जिलों की टीम है, सभी लोग जिन जिन को जो जो जिम्मेदारी दी गई है वो सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और पूरी कर्मठता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए सभी लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है 60+ का, हम उस ध्येय को 100% अचीव करने जा रहे हैं और 10 मार्च को जो जीत का जश्न होगा उसमें मैं आपको पहले से इनवाइट करता हूँ। सर मैंने कई ऐसे जश्न देख लिए सर, ये तो जनता का जश्न होना चाहिए, जनता जिसका जश्न मनवाएगी हम उस जश्न में शामिल हो जाएंगे, हम तो जनता के पत्रकार हैं। देखिए जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, हमने धरातल पे काम किया है, ग्राउंड जीरो पे हमने काम किया है, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। 2022 का जो चुनाव है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी जिसके पास विकास का कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, वो इस चुनाव को पूरी तरह से दिग्भ्रमित करते हुए पूरा हिंदू मुस्लिम के ऊपर चुनाव को डाइवर्ट करने पर तुली हुई है। कभी वह जुम्मे की छुट्टी की बात करती है, कभी हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करती है, जिनका राम, जो लोग राम का अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, जो लोग 370 को हटाने पर सवाल उठाते हैं, जो जो कांग्रेस पार्टी जिनके एक बड़े नेता जिन्होंने कहा था जिस दिन राम मंदिर अस्तित्व में आएगा मैं फांसी लगा लूंगा, ऐसी पार्टी के नेता और ऐसी पार्टी जो आज अपने धरातल को खिसकता हुआ देखते हुए चार धाम की बात करने लगी है, वो पार्टी जो राहुल गांधी जब परेड ग्राउंड पे आते हैं तो रुद्राक्ष की माला पहनने से इनकार करती है ताकि कहीं अल्पसंख्यक छिटक ना जाए, अल्पसंख्यक नाराज ना हो जाए, जो हिंदुओं का लगातार अपमान करते हैं, जो देश के रक्षक हमारे सैनिक हैं उनका लगातार अपमान करते हैं। मैं सोचता हूँ उन व्यक्तियों को ना तो हिंदूवादी बनने का ढोंग करना चाहिए, और अगर उन लोगों ने कभी विकास किया होता तो इस तरह से उन लोगों को गिड़गिड़ाना ना पड़ता, कोर्ट के ऊपर उन लोगों को जनेऊ ना पहनना पड़ता, ना गोत्र बताने की आवश्यकता होती। क्या आपने कभी अपना गोत्र किसी को बताया? वर्मा सर, आप तिलक जी मैं आपसे से बोल रहा हूँ, आप आपने आपने आज तक कभी किसी को आपको आवश्यकता हुई कि मैं मेरा फलाना गोत्र है? मैंने भी आज तक नहीं बताया, आपने भी नहीं बताया होगा।
लेकिन राहुल गांधी को अपना गोत्र बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सर सवाल तो पूछा ही नहीं अभी मैंने, ये वाला सवाल अभी आप जो सवाल पूछा नहीं आप उसी का उत्तर देने लग गए। मेरा सवाल कुछ और था, आप उत्तर कुछ और देने लग गए। अभी तो मैंने हिंदू मुसलमान किया ही नहीं, अभी तो पाकिस्तान भी आएगा डिबेट में, मैं जानता हूं। रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए। लखपत जी अब देखिए, अभी तो मैं बहुत सारे ट्वीट्स दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट्स हो रहे हैं आजकल, और वर्मा जी बैठकर दे रीट्वीट कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए लखपत जी, आपके सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत जी लाल कुआं में फंस गए। अब मैंने देखा वो खटीमा में फंस गए तो आप लाल कुआं में फंस गए। संध्या जी ने ज्यादा परेशान कर दिया। अब संगठन के मुखिया गणेश गोदयाल जी वो भी श्रीनगर में फंस गए, वहां चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। अब कैसे हो पाएगा? ये तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता है, हम तो पन्ना प्रमुख बना के भी चुनाव लड़ते हैं, आपके यहाँ तो कार्यकर्ता कम नेता ज्यादा है, आप कैसे लड़ पाएंगे चुनाव? लखपत जी देखिए, तिलक जी आप देखोगे पिछले आप देखोगे तो मान हरी का अधिकार हल्द्वानी के अंदर से लेकर वो पल्सों देहरादून हर विधानसभा में थे, तीन विधानसभाओं में उन्होंने प्रचार किया, तीन दिन तक वो हल्द्वानी में वो लगातार हर विधानसभा में हरीश रावत जी के पिछले 15 दिनों का आप देखेंगे कि लगातार वो मैनुअली और वर्चुअली की आप देखोगे तो यात्राएं भी कर रहे, पद यात्रा भी कर रहे और लोगों को संबोधन भी कर रहे। ऐसा नहीं कि हमारे नेता कहीं पे नहीं जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपको मैंने एक चीज पहले भी कही, उत्तराखंड के अस्मिता का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, उसको लेकर के कांग्रेस ने जो अपना प्रतिज्ञा पत्र दिया है उसको उसको आपने देखा होगा, बहुत खूबसूरत। हमने इस प्रदेश के लिए एक आगे ले जाने का जो हमने 12 से 17 तक करके यहाँ पे उत्तराखंड को उन्होंने कहा कि हम तो चाह रहे थे कि हरीश रावत जी चुनाव ना लड़े, चुनाव जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री बन जाते तब चुनाव लड़ लेते, बागड़ा जी से कुछ सीख लेते। लेकिन वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों हरीश रावत जी पूरी ऊर्जा जो है लाल कुआं में लगा रहे हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये कांग्रेस के विधानसभा दावेदार चुनाव तो उम्मीदवार कार्यकर्ता हम चाहते हरीश रावत जी चुनाव न लड़े और जब सरकार आ जाए तो उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से फैसला ले। लेकिन क्योंकि कुछ फैसले हाईकमान के होते, हाईकमान को लगा कि हरीश रावत जी को चुनाव में जाना चाहिए, इसलिए उनको वहां पे तो हम सभी जगह लगभग लगभग टिकट दे चुके थे, तो हाई कमान को भी लगा और पार्टी को हाई कमान को लगा पहले रामनगर चला जाना चाहिए, हाई कमान को लगा फिर लाल कुआं आ जाना चाहिए। जिसको टिकट दिया उसका टिकट काट दिया, वो मोहतरमा रो रही हैं, अपना भावनात्मक पूरा मुद्दा बन गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लेकिन आपने लड़की का ही टिकट काट दिया। आपके पास लखपत जी आपका ऑडियो बहुत कम आ रहा है सर, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, बहुत कम आ रहा है ऑडियो। लेकिन संगीता शर्मा जी ये स्थिति तो आपके साथ भी है ना, अब आपका क्या होगा जनाबे आली? जब ये स्थिति आपके साथ भी है जो स्थिति इनके साथ है, ये तो तब भी संगठन के स्तर पर मजबूत दिखाई देते हैं। अब इसी बात पर लखपत जी और संजीव वर्मा जी कहते हैं कि शर्त लगा लो कर्नल कोठियाल तो जमानत नहीं बचा पाएंगे। वर्मा जी परसों कह रहे थे कि 5,000 वोट नहीं मिलेंगे, फिर कह रहे थे 4,000 और 3,000 पे शर्त लगा लो, 3,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे कर्नल कोठियाल को। देखिए ये वर्मा जी और लखपत भाई नहीं डिसाइड करेंगे कि कितना वोट मिलेगा, ये गंगोत्री की जनता डिसाइड करेगी कि वो वहां कितना वोट देना चाहती है। और जो हमारा चुनाव अभियान है वो आज से नहीं, जो हमने गारंटियां जब से शुरू की तब से हम लगातार अपनी गारंटियों को लेकर के डोर टू डोर जा रहे थे, तो हम तब से लोगों के बीच जा करके अपनी नीतियों को बता रहे थे, तो हमारा चुनाव प्रचार लगातार जारी है। और कर्नल साहब अपनी विधानसभा में चाहे बरसात हो बर्फबारी हो सब में डोर टू डोर कैंपेन में लगातार जुटे हुए हैं, और वो दूसरी विधानसभाओं में भी जा रहे हैं। अभी एक हफ्ता पहले ही वो रायपुर और धर्मपुर, अभी फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर क्यों सता रहा है आपको? अभी भी वो डोर टू डोर कर रहे हैं, और जब हमारी गारंटियां जैसे जैसे लॉन्च हुई थी, चाहे बिजली गारंटी हो रोजगार गारंटी हो, हम हर गारंटी को लेकर के डोर टू डोर हर विधानसभा में गए हैं, और अभी भी हमारा डोर टू डोर कैंपेन बहुत तेजी से चल रहा है। और हमारे दिल्ली से
राखी बिड़ला जी, माननीय गोपाल राय जी, सत्येंद्र जैन जी और अन्य जो वहां के हमारे स्टार प्रचारक और नेता हैं, वो सभी लगातार डोर टू डोर कैंपेन हर विधानसभा में जाकर के कर रहे हैं। अब संगीता मैडम, दिल्ली से भी टीम आई हुई है। ये कह रहे थे लखपत जी और संजीव वर्मा जी, कह रहे थे कि गारंटी तो गारंटी 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 दे रहे हैं, कह रहे गारंटी तो गंगोत्री की सीट की भी नहीं है इनकी, कर्नल साहब चुनाव हार जाएंगे, इस तरह की बातें बोल रहे थे। देखिए कांग्रेस तो कुछ ना ही कहे तो ज्यादा बेहतर है, ये जो अपना शपथ पत्र लेकर के आए हैं जनता के सामने रखने के लिए चुनाव लड़ने के लिए, वो पूरा आम आदमी पार्टी का कॉपी पेस्ट कर दिया, जिसके लिए पहले ये कहा करते थे कि बिजली फ्री नहीं दी जा सकती, आज इनके एजेंडे में 200 यूनिट बिजली हो गई, जो ये कहते थे कि क्या कहते महिलाओं को फ्री नहीं दिया जा सकता, आज बस यात्रा ये फ्री करने को मजबूर है, 500 रुपए का सिलेंडर करने के लिए मजबूर है, तो जो इन्होंने एजेंडे में जोड़ा है, जो हम दिल्ली में कर चुके हैं और जो हमारा दिल्ली में मैनिफेस्टो था, उसको तो इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है और ये कह रहे हैं कि हम कर नहीं सकते, तो आज इन्होंने तो खुद ही मोहर लगा दी कि जो आम आदमी पार्टी कहती थी वो इसका मतलब हो सकता है, तभी इसे एजेंडे में लाया गया। पहले आलोचना किया क्यों किया, मैं पूछ लेता हूँ, आपने इनका घोषणा पत्र चोरी क्यों किया? मैडम कह रही है कि आपने इनका घोषणा पत्र चोरी कर लिया। देखिए मैं कह सकता हूँ कि लखपत जी आपका वीडियो इतना अच्छा आ रहा है, ऑडियो पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा, ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो आ रही है सर, थोड़े से ऑडियो कमी आ रही है। वर्मा जी आ रहा हूँ आपके पास, जरा लखपत जी बात करें, उनको उनको मैडम ने बोला कि इनका घोषणा पत्र चोरी कर लिया, आ रहा हूँ सर आपके आपके मुद्दे पर आऊंगा। कांग्रेस जो उतरती है, कांग्रेस पे का विश्वास है, यूं ही कांग्रेस 128 साल पुरानी पार्टी में इसके अंदर कांग्रेस पे भरोसा किया तो यूं ही नहीं किया है, जिस तरह से ये नई नई पार्टियां इस तरह की बातें करती है, हम कई राज्यों में कर रहे हैं। तो लखपत पहले जब 1,00,000 बेरोजगार को नौकरी देने की बात कही तो हरीश रावत जी कहते थे ये नामुमकिन है, तो आज आप अपने घोषणा पत्र में जो 4,00,000 नौकरियों की बात लेके आए हैं तो वो कैसे मुमकिन है, जब आप हमारी बात को नामुमकिन बताते हैं तो देने का काम किया, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस की राज्यों में सरकार है वहाँ नहीं किया। सवाल पूछ रहे संगीता जी, कह रही है कि कल तक जो कहते थे कि नहीं होगा पूरा, वो कह रहे हैं कि आप कर देंगे हम पूरा, अब कैसे करेंगे आप? आप देखोगे कि यहाँ 10 से 12 नहीं आते, लेकिन 16 खत्म होते होते हम उत्तराखंड को 24 घंटा बिजली देने लगे थे, हम उस समय भी चाहते थे 17 में हम सरकार। आपने इनका घोषणा पत्र चोरी क्यों किया संगीता जी, जो आरोप लगा रही है उनकी उनकी कॉपी उनकी जो रसी काम है इनके, अभी के अभी एक जनरल साहब ने कहा ये भाजपा की बी टीम है, इनके उपाध्यक्ष ने कांग्रेस ज्वाइन करते हुए कहा भाजपा की बी टीम है, इनके प्रवक्ता ने कहा टोपी फेंके मैं फूकता हूँ इस पार्टी पे, इनके एक दूसरे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये पार्टी तो बिकी हुई थकी हुई है, एक इनके प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि इससे तो घटिया पार्टी मैंने देखी नहीं, तो ये इनके 15 दिन के बयान देखो, जो ज्वाइन करे कांग्रेस को करे दूसरी पार्टी को करे भाजपा की बी टीम बता रही, इन पे क्या व्यक्त करना है, इनको छोड़ दीजिए। आप तो आपकी संध्या डालाकोटी जी, आप दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं, संध्या डालाकोटी जी क्यों हरीश रावत के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं? वो भी तो यही कह रही है कि कांग्रेस जो कहती है वो नहीं करती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्यों आपने संध्या डालाकोटी जी का वोट काटा, वहां से उनको प्रत्याशी नहीं बनाया आपने, आपने ये भी उनका टिकट आपने क्यों वहां से काटा, तो आपके यहाँ तो पहले ही अंतर्कलह चल रहा है, कुछ सीटों पे आपने मना लिया है और कुछ सीटों पर आज भी आपके प्रत्याशी के खिलाफ ही कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं चुनाव मैदान में। तो हम कहते हैं बसपा कहते हैं, तो हम कहते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे 4% वोट लिया है, आप ऐसी पार्टी खेलना चाहते हैं जिनको कोई सीरियस नहीं लेता, मैं आपसे पुनः दिल्ली में भी सीरियस नहीं लिया था 15 साल में, आप दिल्ली में अपने आप को नहीं बचा पाए, तो ये जो आप जनता के सामने सीरियस कह रहे हैं जनता आपको भी हटाने वाली है। एक मिनट। अब मैं संजीव वर्मा जी के फेवरेट सब्जेक्ट पर आऊंगा, फेवरेट टॉपिक पे आऊंगा, एक मिनट लखपत जी हम जरूर कहेंगे जो भ्रष्टाचार बेरोजगारी महिला उत्पीड़न से लेकर इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर हर प्रकार से बात भी नहीं करते बेरोजगारी और विकास की, हरीश रावत जी तो अर्जुन बनने की बात कर रहे हैं और चक्रव्यूह को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप तो जनता के मुद्दों की भी बात नहीं करते लगातार हरीश रावत जी। संगीता जी, एक मिनट लखपत जी,
उत्तराखंड को हम हिमालय राज्यों में नंबर एक था उत्तराखंड जब हमारी सरकार थी। और आपकी सरकार थी तो राम राज्य था, मैं मान गया। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट लगता जी, एक मिनट संगीता मैडम, ये बात तो सच है ना? फिर मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूँ। आपके ही नेता यहाँ यहाँ बैठ के ना, यहाँ बैठे स्टूडियो में मेरे साथ बोले कि इतनी गद्दार पार्टी है, इतनी गद्दार पार्टी है, इसके नेता बीजेपी वालों के साथ डील कर चुके हैं, डमी कैंडिडेट उतारे इन्होंने, डमी कैंडिडेट। यहां बैठ के ऐसे ऐसे बोल रहे थे लाइव में, कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जैसा गद्दार कोई नहीं है, इन्होंने मैच फिक्सिंग कर ली, कर्नल कोठियाल कठपुतली है, कर्नल कोठियाल को 2-3 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, ऐसे बोल रहे थे यहां बैठे हुए। कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने जनता को झूठ बोलने के लिए डमी कैंडिडेट उतारे और बीजेपी के साथ इनकी डील हो गई, ऐसे कह रहे थे। संगीता मैडम आप ही नेता बोल रहे थे यहां बैठे हुए स्टूडियो। महत्वाकांक्षा जब पूरी नहीं होती है तो फिर अच्छा, कोई कुछ भी बोल सकता है। कह रहे थे पूछ लेना कि दिल्ली में लोकायुक्त मुद्दा था, हमें बोला जाता था, दिल्ली वाले कहते थे कि लोकायुक्त के मुद्दे पर बात मत करना, उत्तराखंड में सवाल मत पूछना बीजेपी से, आप लोग पूछते हो लोकायुक्त के मुद्दे पर कभी? वो कह रहे दिल्ली से स्क्रिप्ट लिख के आती थी, वो कहते थे कि उत्तराखंड के बारे में दिल्ली से स्क्रिप्ट लिख कर आती थी, वही पढ़ते थे हम, ऐसे बोल रहे थे आपको। ये तो सरासर झूठ है कि दिल्ली से स्क्रिप्ट लिख करके आती है, क्योंकि आप भी यहाँ बैठे हुए हैं तो ये पता नहीं होता कि आप क्या सवाल करेंगे और क्या हमें जवाब देना है, तो वो स्क्रिप्ट के बतौर हम नहीं दे सकते, हम वर्तमान में ही जवाब दे सकते हैं, आप क्वेश्चन करेंगे। मुझे नहीं मालूम मैडम, वो इस तरह से बोले थे, टाइमलाइन पे पड़ा हुआ है। ये कुछ भी कोई कुछ भी कह सकता है, उनके लिए अलग से आती हो ये अलग बात है, वो जिसको बता रहे हैं यहाँ पे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तथ्य बिल्कुल झूठ है। अब वो यहाँ बैठ करके ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं तो ये गलत बात है। अगर वो जब तक कल पार्टी में थे तब तक पार्टी की बड़ाई करना और उसके बाद जब वहां से हट जाना तब उसकी बुराई करना, तो इससे समझा जा सकता है कि वो क्या है, कि उनकी वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वाकांक्षाओं से लिप्त है, वो कितनी महत्वाकांक्षाओं से लिप्त है। संजीव सर, ओके, लखपत जी एक मिनट, लखपत जी देखिए संजीव जी परेशान हो रहे हैं। अब बीजेपी वाले मैसेज करके बोल रहे हैं कि तिलक चावला वो वाला मुद्दा लो ना, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कह रहे हैं उस मुद्दे पर भी चर्चा करो। वर्मा जी आऊं मैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे, फेवरेट टॉपिक पे? आवाज कम आ रही, थोड़ा तेज बोलिएगा। अच्छा मैं कह रहा हूं सर आपके फेवरेट टॉपिक पे आऊं, फेवरेट टॉपिक पे, टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक। हेलो वर्मा जी, आपके फेवरेट टॉपिक पे आऊं सर, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले पे, हिंदू मुसलमान वाले पे? सर हमारे तो सारे हमारे सभी टॉपिक फेवरेट हैं, जो विकास की बात करते हो, जहां विकास हो वो सभी टॉपिक हमारे फेवरेट टॉपिक हैं। विकास दिखाऊं सर, प्लीज सुमित क्लियर करिएगा, ये ट्वीट दिखाइएगा जो कि हरीश रावत को लेकर किए गए, और इन ट्वीट्स का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि ये ट्वीट्स जिसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन इस ट्वीट्स को लेकर संजीव वर्मा जी, ये वाला ट्वीट जो दिखा रहे हैं मौलाना साहब बना के जो आप दिखा रहे थे, और इसको लेकर नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गए। ये ट्वीट मैंने वैसे परसों भी दिखाया था, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई संजीव वर्मा जी, इन ट्वीट्स को दिखाने के बाद मुझे उम्मीद थी कि आपके यहां से ट्वीट्स का जो शोर है ना, जो आप रीट्वीट करना बंद कर देंगे। आज भी देख रहा था सर, आज भी ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज भी हिंदू मुसलमान, आपकी टाइमलाइन पर, बीजेपी की उत्तराखंड की टाइमलाइन पर यही सब कुछ पड़ा हुआ है। और जो बग्गा साहब है, बग्गा साहब तेजेंद्र साहब, उन्होंने बकायदा कहा कि मैंने ये ट्वीट क्यों किया था, उसका एक उन्होंने उत्तर भी दिया। मैं चाहूंगा पहले वो बयान प्ले कर दीजिए तेजेंद्र साहब का, और फिर वो नया वाला एक विजुअल चल रहा है आजकल जो आपकी टाइमलाइन पे भी पड़ा हुआ है, वो अल्लाह अकबर वाला, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा बग्गा साहब का बयान प्ले करिएगा तेजेंद्र साहब का, जो कि जिन्होंने अपना पक्ष रखा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, प्लीज प्ले करिएगा। देवभूमि में जुम्मे की नमाज में छुट्टी घोषित करने वाले हरीशुद्दीन जी ने कल मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन की है, जो देवभूमि में छुट्टी खोलने की बात उन्होंने की थी, बात की थी उसका जो मैंने विरोध किया, उन्होंने कंप्लेन की है, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, आप एक नहीं 1000 मेरे खिलाफ करिए, लेकिन देवभूमि खोलने का विरोध हम करते थे, करते रहेंगे, वो चाहे तो मेरे 1000 कंप्लेन करे, चाहे तो वो सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं करने की जो उनकी चाल चल रही है, ये कह रहे हैं संजीव वर्मा जी, जुम्मे की नमाज की छुट्टी देने वाले हरीशुद्दीन जी,
हर्षुद्दीन बोल रहे थे, कह रहे थे कि हरदा को शायद हर्षुद्दीन कह रहे हैं, कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। सर ये तो आप तो विकास की बात करते हैं ना, ये आपके नेता ये कैसे कैसे ट्वीट कर रहे हैं, आपने देखे ये ट्वीट, आपने किया क्या रीट्वीट? संजीव वर्मा जी, तिलक जी, जो व्यक्ति तिलक जी जो व्यक्ति जिस तरह का कोई काम करेगा उसको संज्ञा वैसी ही दी जाएगी। अच्छा, वैसी ही संज्ञा दी जाएगी। आप हरीश रावत जी से पूछिए मंदिरों में कितनी बार जाते हैं, मंदिरों में कितनी बार जाते हैं, लेकिन नहीं जाते। लेकिन लेकिन वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए टोपी भी पहन लेंगे, वोट लेने के लिए साफा भी पहन लेंगे, वोट लेने के लिए नमाज पढ़ने का नाटक भी कर लेंगे, वोट लेने के लिए अगर कोई उनका कार्यकर्ता भी रुद्राक्ष की माला राहुल गांधी जी को पहना रहा है तो राहुल गांधी जी उस रुद्राक्ष की माला को पहनने से भी इनकार कर देते हैं। इसलिए इनकार कर देते हैं कि कोई अल्पसंख्यक भाई नाराज ना हो जाए, आपका अल्पसंख्यक वोट आपसे छिटक ना जाए। तो ये जो तुष्टिकरण की आप लोगों के अंदर भावना है, उस तुष्टिकरण की भावना को आप अपने अंदर से निकालिए, एक बराबर रहिए, पूरे समाज के साथ रहिए। आप लोग ने तुष्टिकरण को बढ़ावा देते हुए आप संजीव वर्मा जी, आज जो अपना सर्व समाज है, हिंदू समाज है, आप लोग उससे बिल्कुल छिटक गए हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं। वो भी आज सोचने लगा है कि भैया जैसी आपकी फोटो है वैसे ही आपके कर्म है, वैसे ही आपकी मानसिकता बन गई है, वैसे ही आप लोगों की मानसिकता बन गई है। आप लोग जुम्मे की छुट्टी देने का बात करते हैं, कौन से विकास से जुड़ा है उससे कौन सा उत्तराखंड का विकास हो जाएगा? उत्तराखंडियत की आप लोग बात करते हैं, उत्तराखंडियत की आप लोग बात करते हैं, उत्तराखंड का जितना बड़ा नुकसान आप लोगों ने किया है, मैं नहीं सोचता किसी दूसरी दल ने, किसी दूसरी पार्टी ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने इतना बड़ा नुकसान उत्तराखंड का किया होगा। आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो विशेष राज्य का दर्जा दिया था आपने उसको छीनने का काम किया, आपने औद्योगिक पैकेज को छीनने का काम किया। जब जब उत्तराखंड में कोई विकास की योजनाएं आती है उनको छीनने का काम, उनपे रोटा अटकाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और एक तरफ आप चार धाम की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप नमाज की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप नमाज की छुट्टी देने की बात करते हैं। आप लोग कंटिन्यू मुस्लिम, तुम होते कौन है बोलने वाले, होते कौन है तुम? तुम्हें ठेका दे रखा किसी ने, क्या ठेका दे रखा हिंदुओं का? अरे तुमसे ज्यादा सनातनी हम है, तुमसे ज्यादा पूजा हरीश रावत जी करते, बलात्कार करते हो, ऑफिसों में लोगों के साथ छेड़खानी करते हो, प्रदेश मुख्यालय में महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हो, उनका सम्मान नहीं करते हो, तुम्हारे विधायक पांचवा बलात्कार में जा रखे, तुम वो करते। कांग्रेस पार्टी ऐसे घिनौने आरोप हमारी भारतीय सेना के ऊपर लगाती है, उनको आतंकवादी तक बोलती है, उनको बलात्कारी बोलती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के जिस तरह के देखा, किस दिन हरीश रावत जी का बयान आया, इस तरह का बयान जहाँ हरीश रावत जी पांच साल से आपसे पूछ रहे थे आप किस तरह की बातें करें? अरे पढ़ के आया करो, ढंग से बोला करो, चैनलों पे बोलना है तो सोच समझ के बोला करो, इस तरह की घृणित और विकृत मानसिकता को मत दिखाए समाज में। घृणित और विकसित मानसिकता जो भाजपा की घृणित और विकसित सोच है, विकसित सोच और विकसित मानसिकता के तुम लोग हो, ये समाज में चलने वाला नहीं है। हरीश रावत जी और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, किसी व्यक्ति को जानते हो तो उसके बारे में तब बोला करो, और ये चैनलों पे आकर वर्मा जी लखपत जी एक मिनट अभी 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 एक और अभी इस कहानी में ट्विस्ट आएगा, रुकिए ना एक मिनट लखपत जी प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, प्लीज सर एक मिनट रुकना पड़ेगा, सर एक मिनट अभी मैं आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी, सिर्फ एक मिनट दूंगा आपका। संजीव वर्मा जी मुझे एक बात बताइए, आपके नेता मजार पर नहीं जाते? संजीव जी का ऑडियो उठाइए, मजार पर जाते नहीं जाते आपके नेता? संजीव वर्मा जी आपके नेता मजार पर जाते हैं कि नहीं? आपके नेता मजार पर जाते हैं? मजार पर तिलक जी जाते कि नहीं? मैं सोचता हूँ
मैं सोचता हूँ जो मजारों पर, मैं सोचता हूँ लगभग सभी धर्मों के लोग जानते जाते हैं, और किसी मजार के ऊपर अगर जो कोई गया वो उसका एक व्यक्तिगत मामला हुआ, व्यक्तिगत मामला हुआ, व्यक्तिगत आस्था हुई, अगर आपके देखा जाए व्यक्तिगत आस्था हुई। धन सिंह रावत का विजुअल प्ले करिए, एक मिनट रुकिए, ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो आप खेल खेल रहे हैं, धन सिंह रावत का विजुअल दिखाइए प्लीज हमें, एक एक सेकंड। तिलक जी अजमेर शरीफ में मैं सोचता हूँ जितने लोग जाते हैं उनमें केवल मुसलमान नहीं होते, उसमें हर वर्ग का हर धर्म का आदमी जाता है। ग्वालियर शरीफ में हर वर्ग का हर धर्म का व्यक्ति जाता है, हर वर्ग का हर धर्म का व्यक्ति जाता है। वो लोग लखपत जी, थैंक यू सो मच, आप जाना चाह रहे थे। हाँ, लखपत जी के ऑडियो में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन संजीव वर्मा जी आप बोलिए ना, आप दूसरों नेताओं के मीम्स बना रहे हैं, अपने ट्विटर हैंडल से रीट्वीट कर रहे हैं, अब आप ही के नेता के तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, अब क्या बोलेंगे आप? फिर मैं आ रहा हूं संगीता जी आपके पास। तिलक जी, ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि ये वीडियो वर्तमान का नहीं है, यह वीडियो पुराना वीडियो है, और कलियर शरीफ में आप जाएंगे, आप कलियर शरीफ जाएंगे तो आप वहां जाके देखिएगा, मैं सोचता हूँ हर वर्ग का हर धर्म का व्यक्ति वहां पे जाता है, और अगर अगर धन सिंह रावत जी भी गए तो इसमें कौन सी बुरी बात है बताइए? हाँ, तो यही तो बात है, कौन सी बुरी बात है? तो फिर आप क्यों ट्वीट करके दिखा रहे हैं, मौलाना बनाकर चेहरा दिखा रहे हैं आप हरीश रावत का, तो क्यों दिखा रहे हैं? इससे किसका भला होगा? धन सिंह रावत जी कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी आपके सामने है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी आपके सामने है, आप वहां पे जाके देखिए क्या हालत है आपके राज्य में जी, आपके राज्य में वहां से जिन्ना की तस्वीर को हटा नहीं पाए जी। आप कैसी बात करते हैं, आप हर बात को घुमाने का प्रयास क्यों करते हैं? सर, मैंने कहा यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी का मतलब जिसमें हिंदू भी जाए, मुसलमान भी जाए, ईसाई भी जाए। संगीता शर्मा जी, देखा आपने क्या चल रहा है? अनम्यूट कर लीजिए मैडम, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। संगीता मैडम अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। संगीता मैडम अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। संगीता मैडम, अपनी बात रखिए जी, आप बोलिए। जो इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और धर्म की राजनीति चल रही है, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सबको आना चाहिए। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म का सम्मान मत कीजिए, और तुष्टीकरण की राजनीति से राजनीति को चला करके एक वोट बैंक हासिल करना और जनता में नफरत की राजनीति को पैदा करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बात करनी है तो विकास के मुद्दों पर कीजिए, बात करनी है तो शिक्षा स्वास्थ्य पर कीजिए। धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करती आ रही है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के स्तर को भी गिराता है और विकास को आगे आने से रोकता है। लोग धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति में फंस करके वोट डालते हैं और जनता उसमें फंस जाती है, और कहीं ना कहीं देश का विकास बहुत पीछे हो जाता है। तो इस तरह की राजनीति को बंद होना चाहिए जो अभी चल रहा है, और जो हरीश रावत जी का ट्वीट किया गया, इस तरह के बनाया गया, ये कहीं ना कहीं किसी के लिए भी गलत ही है, ये किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब धर्म का सम्मान करना ही सबसे सही रास्ता है, और वही हमें, हमारा जो भारत देश है वो इसी लोकतंत्र की खूबसूरती का है कि हम सब एक दूसरे के साथ रह करके प्रेम और संभाव के साथ जिए, ना कि इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करें, और भाजपा हमेशा इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई आई। क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है? यही उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। तिलक भाई, मैं बात करूं पिछले 10 सालों की, तो उत्तराखंड में 7 मुख्यमंत्री 10 सालों में हुए, लेकिन 9245 घोषणाएं की गई, और उस घोषणाओं में से केवल 18 घोषणाएं जो है वो पूरी हुई हैं। तो ये कितनी शर्म की बात है कि पिछले 10 साल में
इतने मुख्यमंत्री दे दिए और घोषणाएं लगभग 10,000 मान लिया हमने, 9,245 और उसमें से 18 पूरी होती हैं। तो ये दोनों सरकारें घोषणाओं के नाम पर एक पुलिंदा उत्तराखंड को बना दिया, घोषणाएं घोषणाएं घोषणाएं। और धामी जी की ही बात करें तो 1090 घोषणाएं उन्होंने की और 163 शासनादेश केवल हुए हैं अभी, उसमें से पूरी तो क्या होंगी और कितनी नहीं होंगी ये समय, क्योंकि अब तो नया जो मुख्यमंत्री जी आएंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, उन्होंने तो बस घोषणाएं कर दी। तो ये किस तरह की राजनीति उत्तराखंड में हो रही है ना, इस जब चुनाव नजदीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, और हम बात क्या कर रहे हैं, धर्म की। तो हम धर्म की राजनीति से वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं और धर्म की राजनीति से सत्ता हासिल करना चाहते हैं और विकास के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते, और उसके बाद जनता पूरा 5 साल परेशान होती है। वो शिक्षा के लिए लड़ती है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए लड़ती है, और रोजगार के लिए सड़कों पर धरना देने के लिए मजबूर होती है। तो ये राजनीति का स्तर नहीं है। तो अब उत्तराखंड की जनता को इस बार सोचना पड़ेगा कि वो ऐसी राजनीति को उत्तराखंड में लेकर के आना चाहते हैं या नई राजनीति जो केवल विकास के मुद्दों की बात करती है, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है, एक ऐसी पार्टी को उत्तराखंड में लेकर के आना चाहते हैं। मैं चाहूंगा इस पूरे विषय को लेकर जो तेजेंद्र बग्गा साहब का बयान हमने कुछ देर पहले सुनाया था और उसी को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए थे और उन सवालों का जवाब भी तलाशेंगे, जरा तेजेंद्र साहब का बयान एक बार फिर से प्ले करिएगा और फिर उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तेजेंद्र साहब क्या कुछ कह रहे हैं एक बार फिर से सुनिएगा, जो आरोप उनके ऊपर लगे, बकायदा शिकायत दर्ज हुई, चुनाव आयोग को लिखित में जवाब दिया गया, आइए जरा आपको सुनाते हैं कि तेजेंद्र साहब ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। जो देवभूमि में इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोलने की बात उन्होंने की थी, कांग्रेस ने बात की थी, उसका जो मैंने विरोध किया उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की है। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, आप एक नहीं 1,000 कंप्लेन मेरे खिलाफ करिए, लेकिन देवभूमि में इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोलने का विरोध हम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। वो चाहे तो मेरे खिलाफ 1,000 कंप्लेन करे, चाहे तो वो मुझे जेल में भिजवा सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देवभूमि को इस्लामीकरण करने की जो उनकी चाल चल रही है, देवभूमि के अंदर जो आज अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, देवभूमि के लोग ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का आखिरी कार्यकर्ता जब तक जिंदा है देवभूमि में। तो सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सी सियासत हो रही है, और सीधे बकायदा बीजेपी के ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए जा रहे हैं जिसको लेकर सवाल नाराजगी कांग्रेस के नेता भी जता रहे हैं। गणेश गोदयाल का भी बयान आया पूरे विषय को लेकर, जिस तरह की सियासत हो रही है, गणेश गोदयाल कुछ कह रहे हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा गणेश गोदयाल साहब का बयान भी आपको सुना देते हैं। प्लीज गणेश गोदयाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी प्ले करिए। मैं इस चीज को बहुत हल्का मानता हूं कि हम अनावश्यक बातों पर बात न करें। अगर वो कहीं मस्जिद में गए तो मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं ये कहूं कि वो मस्जिद में गए तो इसलिए वो गलत हो गए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उन्होंने 5 साल इस क्षेत्र की जनता को, इस प्रदेश को ठगने का काम किया, जो सही आरोप है। ये कोई बात थोड़ी है कि कोई मस्जिद गया, मंदिर गया, गए तो श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा मस्जिद में है तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें इस पे कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी विकास की आइडियोलॉजी, मैं उस विकास की आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूं, और उस विकास की आइडियोलॉजी पर बहस करने के लिए मैं धन सिंह रावत जी को जब वो कहें, जहां वो कहें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो विकास की आइडियोलॉजी पर आकर चर्चा करें। तो गणेश गोदयाल भी सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं, गणेश गोदयाल भी कह रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की सियासत से किसी का भला नहीं होने वाला। लेकिन संगीता जी, मेरा सवाल वही था, अभी मैं कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर एक बात और, सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या तुष्टिकरण की सियासत हो रही है देवभूमि में, और अगर हो रही है तो क्या आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान नहीं होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दों की बात कर रही है, और जो हर किसी धर्म की जरूरत है, जो जनता की वास्तविक बुनियादी जो मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी उनकी बात कर रही है। बिजली है वो हर परिवार को चाहिए, शिक्षा है वो हर घर के बच्चे को चाहिए, और स्वास्थ्य है तो वो हर परिवार की जरूरत है। तो आम आदमी पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है, हमेशा से विकास के मुद्दों की राजनीति करती हुई आई है, और वो आज भी उत्तराखंड में वही विकास की राजनीति को लेकर के आई है। तो इससे आम आदमी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। ये तुष्टिकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, अब ये जनता को कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है,
कि अब हमें विकास की ओर देखना है या तुष्टिकरण की राजनीति में फंसना है। तो अब ये फैसला 2022 में जनता करेगी, क्योंकि अभी तक तो यही दोनों पार्टियां थी। तो पांच साल पहले कांग्रेस आती है, फिर कांग्रेस जनता को समझ नहीं आती, बीजेपी को ले आते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अरे बीजेपी ठीक नहीं है, फिर कांग्रेस को ले आते हैं। तो जो आज तक 21 वर्षों में उत्तराखंड में होता हुआ आया, लेकिन आज जब एक तीसरा विकल्प पहले संकल्प के रूप में उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं, और जो विकास के मुद्दों की बात कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, इससे ज्यादा उत्तराखंड का जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ करके और जो घोषणाओं के पुलिंदे से जो उत्तराखंड विकास की ओर नहीं जा पाया इस 21 वर्षों में भी, आज जितनी बेरोजगारी उत्तराखंड में है और हमारा अपराधिक, आपने ये कहा कि राजनीति की शुचिता, तो आपने क्या अपराधियों को टिकट नहीं दिए जिनके ऊपर आरोप लगे? आपके यहाँ भी तो अपराधियों को टिकट मिले, इस हिसाब से जो कि आप कह रहे थे कि हम किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं अपराध के, आपने उनको भी टिकट दिया? देखिए, ट्रिपल सी का जो फॉर्मूला था वो आम आदमी पार्टी उसकी बात करती आई है और आम आदमी पार्टी उसको लेकर के करती है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसी छवि के लोगों को टिकट नहीं दिया, तो अभी वो ऐसा नहीं है कि वो दोषी पाए गए हैं या उनपे दोष सिद्ध हो गया है, और वो राजनीतिक क्षेत्र में वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने, उनका जो उनपे केस लगे हैं वो ऐसे नहीं है कि जिससे कि उन्होंने समाज में सेवा करना छोड़ दिया हो या सामाजिक किसी पृष्ठभूमि से ना जुड़े हुए हों, तो उन लोगों ने समाज के लिए कहीं ना कहीं काम किए हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी ने उन्हें वोट दी। अच्छा, तो इसलिए जो है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। सुभाष, ये उत्तराखंड में कैसी सियासत हो रही है? कोई अल्लाह अकबर जारी कर रहा है तो कोई दूसरी तरफ कह रहा है कि भैया मस्जिद बना लो, मंदिर बना लो, हमने संस्कृत महाविद्यालय बनाया, ये यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं मुस्लिम। ये कौन सी सियासत आखिरकार उत्तराखंड में हो रही है, इसका मैं जवाब लूंगा आपसे। लेकिन संजीव वर्मा जी, वो धन सिंह रावत का विजुअल आपने देखा, वो जो मैंने दिखाया, अब एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा और अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो तस्वीर अब हम दिखाएंगे, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, वो भी आपके ट्विटर हैंडल से ही। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके ट्विटर हैंडल से ही मुझे मिल गई, मतलब बीजेपी उत्तराखंड के ट्विटर हैंडल से, जिसमें अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। प्लीज प्ले करिएगा सुमित, अब उसके बाद फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सुभाष भी मेरे साथ जुड़ गए, प्लीज प्ले करिए। संजीव वर्मा जी, ये वाला जो ट्विटर ट्वीट मुझे मिला, ये वाली तस्वीरें अल्लाह अकबर जिसमें हो रहा है, ये भी मुझे आपके सौजन्य से, मतलब कि बीजेपी उत्तराखंड के सौजन्य से ही प्राप्त हुआ सौभाग्य दिखाने का जनता को। ये सर फिर ये क्या हो रहा है? आप कह रहे हो कि विकास की हम राजनीति करते हैं, यहां पर भी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए आप ट्वीट कर रहे हैं। संजीव वर्मा जी, सर अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, तिलक जी, चुनाव का माहौल है और चुनाव के समय पे कन्वेंसिंग करने के लिए प्रत्याशी को कहीं भी जाना होता है और कहीं भी गए, अगर समर्थक किसी भी तरह की कोई बात करते हैं, कोई अपने धर्म के प्रति। सर आवाज कम हो गई आपकी, बहुत ज्यादा कम हो गई आवाज। सुभाष, फाइनल कमेंट आपसे ले रहे हैं, फिर इस कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे। लेकिन ये चल क्या रहा है उत्तराखंड की सियासत में? सुभाष, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उत्तराखंड में जो मुद्दे होने चाहिए थे, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, बेरोजगारी को किस तरीके से खत्म किया जाए, जो मुद्दे, ये बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए था, शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए, उस पर क्या राज्य सरकार कर सकती है या विपक्षी दल के जो चुनावी वादे हैं वो होने चाहिए थे, और इसके साथ ही पलायन को लेकर किस तरीके से पलायन को रोका जाए वो मुद्दे होने चाहिए थे, किस तरीके से प्रदेश का विकास हो वो मुद्दे होने चाहिए थे,
किस तरीके से पहाड़ों में लोगों को रोजगार दिया जा सके, वो मुद्दे होने चाहिए थे, लेकिन ये मुद्दे कहीं ना कहीं अब नजर नहीं आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि 2022 का ये विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड की दृष्टिभूमि से, पृष्ठभूमि से बहुत अलग होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी मुख्य वजह यह है कि हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है, जो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसी राजनीति देखने को मिलती है, उत्तराखंड को एक शांत प्रदेश के तौर पर देखा जाता था, एक पहाड़ी राज्य के तौर पर देखा जाता था। यहाँ यदि इस तरीके की राजनीति होती थी तो उनके लिए महत्वपूर्ण चीजें होती थी पहाड़ और मैदान। पहाड़ की सीटें, ये पहाड़ी सीटें हैं, ये मैदानी सीटें हैं, और बहुत ज्यादा कोई इतनी बड़ी गणित लगाई नहीं जाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर यूं कहा जाए आम आदमी पार्टी हो, सभी राजनीति दल कहीं ना कहीं अब हिंदू मुसलमान पर पूरे चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बड़ा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, अल्लाह अकबर वाले दोबारा से प्ले करेगा। संजीव वर्मा जी, मैं जिन तस्वीरों का जिक्र कर रहा था ये आपके ट्विटर हैंडल से मिली थी, मैंने कहा ये आप ही के नेता ट्वीट्स कर रहे हैं इस तरह से। आपने तो इतना विकास किया ना सर, डबल इंजन इतना विकास किया, विकास की गंगा बहा दी, पूरे उत्तराखंड में विकास ही विकास हो रहा है, तो आप विकास बताते ना, हमने ये विकास किया है। आप कह रहे हैं कि देखिए अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, ये वाला विजुअल देखा क्या आपने संजीव वर्मा जी, या ट्वीट किया आपने रीट्वीट संजीव वर्मा जी? संदीप वर्मा जी से लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल की जा रही हैं, लेकिन अब इनसे किसका भला होगा और क्या भला होगा, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुभाष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे साथ वर्मा जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पूछता है उत्तराखंड, आखिरकार ये कौन सी सियासत हो रही है प्रदेश में जो आज तक नहीं, और इससे आखिरकार किसका भला होगा? मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।